नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी में। दोस्तों आज नई सुबह हुई है, नया सवेरा है और हम फिर से एक नए खेत में आ चुके हैं खेतों की अनकही कहानी किसानों की जुबानी सुनने के लिए। अब हम तो बढ़ चले हैं कि खेतों की अनकही कहानी किसानों की जुबानी सुनाने। आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और कुछ ना कुछ आप इनकी खेती के अनुभव से अपनी खेती में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ा सकते हैं। आपका नाम क्या है? जगदीश पंचायत। अच्छा, आप यहाँ शुरू से खेती कर रहे हैं? हाँ, शुरू से। तो आप यहाँ पे किस प्रकार की खेती करते हैं? सब करते हैं उसी तरफ, पर भी किसानी करते हैं। किसानी यानी नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्या लगाते हैं? धान लगाते। तो इसकी शुरुआत कौन से महीने से होती है? अभी ये तो हम यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि धान लगाने के समय में? धान लगाने के बाद बंद कर देते हैं, वो लगाते हैं फिर। नहीं, सबसे पहले जैसे जुताई किया जाता है। जुताई करते हैं ना, तो जुताई में कितना समय लगता है? एक दिन बहुत जोर डालता है जी, वो जो ट्रैक्टर वाले को जोताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें एक घंटे में वो तो बहुत जोर डालता है। तो जोतने के बाद क्या करते हैं फिर? उसको रहने देते हैं 2-4 दिन। हाँ, उसके बाद में शुरू करते हैं। फिर उसके बाद क्या खाद डालते हैं? हाँ, खाद डालते हैं। कौन सी खाद का उपयोग करते हैं? डीएपी। हाँ, डीएपी और यूरिया मिक्सचर करते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, फिर उसको फिर कितने दिन रखते हैं? उसको 15 दिन तक के रखते हैं। 15 दिन तक रखते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 15 दिन रखने के बाद? फिर मारते हैं डबल से उसको। फिर से? हाँ, फिर से उसमें भी सब मिक्सचर करके मारते हैं। अच्छा, कुछ दवाई वगैरह डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद फिर पानी डालते हैं क्या? हाँ, पानी नहीं रहता तो डालते हैं। अच्छा, यानी कि आप बरसात के पानी पे निर्भर है कि खुद के कुएं में है जी? कुएं तो पानी आ जाता है तो मशीन चालू नहीं करते कुएं का। नहीं तो फिर आप है अभी यानी सक्षम है कि पानी की कोई समस्या नहीं होती? नहीं, पानी की समस्या। तो यानी कि उसके बाद फिर आप जैसे बीज डालने का समय आता है। हाँ, तो कब डालते बीज उसके खाद डालने के बाद? खाद डालने के बाद उसके पहले बीज डाल देते हैं जी। अच्छा, बीज पहले डाल देते? हाँ, पहले ही डाल देते हैं। तो उसमें खाद पात कुछ नहीं छोड़ते। उसके बाद फिर परा चालू होता है? हाँ, परा चालू होता है। परा लगभग कितने दिन चलता है? अब यहाँ तो हमको 15-20 दिन लग जाता है। 15-20 दिन लग जाता है सभी को मिला के। हाँ हाँ हाँ, फिर वो मजदूरों के द्वारा करवाते हैं? हाँ, मजदूर के द्वारा करवाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये परा होने के बाद फिर और क्या किया जाता है खेती में अभी? वो आपके द्वारा वो लगाते हैं उसका उड़दा। अच्छा, उड़दा। हाँ, उड़दा फेंक देते हैं। उड़दा फेंकते हैं? हाँ। तो फिर यानी कि उड़दा भी उगता है? हाँ, उगता है। अच्छा अच्छा, अभी गीलच में फेंक देते हैं। हाँ हाँ, तो वो जग जाता है। अच्छा, जग जाता है। हाँ, उसको पानी वानी की जरूरत नहीं पड़ती। उड़दे को पानी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। ये तो बहुत अच्छी बात है। पानी अभी नरम रहना, पैर कर रहा है बंदी में, फेंक दो तो जम जाते हैं। उसको भिजा के डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे आप कीटनाशक के लिए क्या उपयोग करते हैं? अभी वो दवाई लाते हैं बालाघाट से। अब अच्छा, कौन सी लाते हैं ये नहीं मालूम मेरे को। यही ये जो दवाई मार रहे हैं यही है क्या? हाँ, देख सकते हैं आप सभी दर्शक की किस प्रकार दवाई मारी जा रही धान से। तो ये मारते दवाई है ना? हाँ। तो ये कितने दिन के अंतराल में मारना पड़ता है? ये जी कैसा बीमारी हो गई धान में करके मारते हैं। किस प्रकार की बीमारी पाई जाती है? अब यही तो नहीं, वो पत्ती सूखने वाली। अच्छा। उसका गिरी जो है ना वो सूख जाता है। अच्छा, इसलिए मारते हैं। मारते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये धान पकने में कितना समय लगता है फिर भी जैसे कटवाई तक? अभी 4 महीने लग जाता है भैया। 4 महीने? हाँ, 4 महीने। 4 महीने। अब फसल अच्छी हो तो फिर 1 एकड़ से कितना कुंटल निकल जाता है? 1 एकड़ में 20-25 बस, उससे ज़्यादा नहीं निकलता। 20-25 बस? 20-25 मतलब कि आप 25 तो ज़्यादा बचा दिया आपको, 20 से ऊपर एक जो वो निकलता है नहीं तो नहीं निकलता। हाँ, 20 से ऊपर निकलता ही नहीं अपने यहाँ। अच्छा अच्छा, कहीं पर देख लो आप। जी 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 जी, तो इसमें मुनाफा है कि नहीं? मुनाफा तो है जी, लेकिन घाटा बहुत है। अच्छा, यानी कि बीमारी आ गई? हाँ, बीमारी आ गई और फिर हमारे पास कुछ नहीं है, जानवर वगैरह कुछ नहीं है। उसमें हमको सस्ता पुराता था।
अच्छा जानवर रहते थे हाँ, तो ट्रैक्टर नहीं लगते थे, हाँ, ट्रैक्टर नहीं लगते थे, जुताई हल से हो जाती थी, हल से हो जाती थी, उसमें पैसे कम लगता था, अब तो पूरा पैसा उन्हीं को देना पड़ता, यानी कि 5-10 हजार का खर्चा ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया ना? एक एकड़ पे हाँ, बढ़ गया ना, यानी कि 5-10 हजार का नुकसान हो रहा है बस, नुकसान हो रहा है। मगर और आप उन्नत खेती के बारे में क्या यानी कि सोचते, सब्जियाँ उगाने का? नहीं, जो सब्जी उगाते हैं लेकिन बंदर के मारे परेशान हो जाते हैं ना। अच्छा, अब दिन भर यहाँ कौन जागेगा? हाँ, ये भी बात, इधर घर जाओ तो आ जाते हैं, चौकीदारों को वो देना पड़ेगा, तनख्वाह देना पड़ेगा, चौकीदार भी दिन भर थोड़ी रहेंगे वो भी। मगर धान उगाना एक पुण्य का काम बोला हाँ, जाता है हाँ, कि इसमें भले ही कम मुनाफा है हाँ, मगर लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा धान की होती है, चावल की, बिना चावल के तो जीवन अधूरा हाँ, है। तो यानी कुल मिला के सबसे पहले आप जुताई करते हैं हाँ, जुताई के बाद आप लोग खाद डालते हैं हाँ, खाद डालने के बाद आपका 15 दिन रखते हैं हाँ, फिर से खाद डालते हैं, फिर से डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, पानी राहत डाल देते हैं हाँ हाँ, और फिर उसमें परा लगाते हैं हाँ, और परा लगाने के बाद 4 महीने वेट करते हैं हाँ, ताकि धान अच्छे से पक हाँ, जाए, 4 महीने तो लगते ही है। और बीच बीच में आप लोग देखते हैं कि हाँ, कहीं धान में कीटाणु हाँ, या कीट तो नहीं लगे हैं हाँ, जो फसल खराब कर रहे हैं हाँ, तो उसमें फिर आप कीटनाशक डालते हैं हाँ, कीटनाशक। अच्छा, फिर जैसे कि धान कटाई चलती है हाँ, तो धान कटाई के बाद आप थ्रेसर में वो मशीन जो आती है उससे कटवाते हैं या फिर मजदूरों से? नहीं, मजदूर से भी मिलती ही नहीं ना मजदूर, वो छोटी मशीन आती है ना वो काटने वाली। अच्छा, छोटी मशीन आती हाँ, है, आती है तो उससे कटवाते हैं। अच्छा, उसमें कम खर्चा लगता है छोटी हाँ, मशीन में हाँ, कम लगता है, मजदूरों में उससे ज्यादा लग जाएगा हाँ, मजदूरों में उससे ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा लग जाता है, यानी कि कुल मिला के मुनाफा तो होता है, और इससे धान लगाने से जमीन भी सुरक्षित रहती हाँ, है, सुरक्षित रहती, ताकि अगली बार। और आप रबी की भी लगाते हैं? हाँ, रबी का भी लगाते हैं, यानी रबी और खरीफ मिला के अच्छा खासा मुनाफा हो जाता हाँ, है, जिससे साल भर का गुजर हाँ, बसर हाँ, हो जाए हाँ, अच्छा 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 और इसके अलावा कोई चीज और लगाने की नहीं सोचे कभी? नहीं नहीं, वो लगाना भी सोचते भी नहीं और लगाना भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बंदर के मारे परेशान हो जाते हैं हाँ, ये ओपन में हो जाता है ना, खुले खुले में हो जाता है हाँ, इस कारण से। तो ये धान लगाते हैं आप, फिर उसके बाद कटाई होती है हाँ, उसके बाद तो फिर खाली रहता होगा? खाली रहता है तो खार भर देते हैं ना। अच्छा, गर्मी के लिए। अच्छा, रबी की फसल के लिए? रबी की फसल के लिए डाल देते हैं। तो रबी की फसल के लिए यही बीज से काम हो जाता है क्या? हाँ, इसी से हो जाता है, ये अभी बीज काटेंगे ना हाँ, हाँ, इसी में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में हो जाता है। तो रबी की कम होती है कि ज्यादा होती है? रबी का ज्यादा होता है, मगर सोसाइटी में कम रेट में, कम रेट में बिकता है, ये ऐसा क्यों होता होगा आप क्या मालूम? अच्छा, खरीफ की फसल का क्या रेट है जैसे सोसाइटी में बेचा जाए तो? एक कुंटल में क्या भाव से? 13 हजार बिकता है। नहीं, क्या भाव से बिकती है एक कुंटल? ये अभी रबी का नहीं, खरीफ का, अभी का समय का, अभी के समय का वो तो अच्छा रेट बिकता है, वो 13-14 सौ रुपये कुंटल। नहीं, रबी की बिकती मेरे ख्याल से? नहीं, रबी का नहीं, कम बिकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी का ज्यादा बिक, अपन वहाँ सोसाइटी में दे देते हैं ना हाँ, हाँ, वो सही रेट में बिक जाता है, आपको सोसाइटी से लाभ भी मिलता होगा हाँ, और इधर जो दलालों को दो तो हाँ, इधर जो बेचो ना तो उसमें कम में बिकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अपन उसमें दे देते हैं सोसाइटी में ले जाते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंकल जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल खेतीबाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।